हाय गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ नायका हॉल। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था आपको कि क्या क्या परचेस किया है मैंने नायका से स्किन केयर में, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेकअप प्रोडक्ट में मैंने क्या क्या खरीदी किया है जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कोई भी मेकअप स्किन केयर के बिना अधूरा है। जब आपकी स्किन अच्छी होगी तभी मेकअप अच्छा लगेगा आप पे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहली चीज़ है इस लिप लाइनर फ्रॉम मार्स। पिंक शेड में एक भी नहीं था मेरे पास लिप लाइनर। जब पिंक लिपस्टिक लगानी है, पिंक शेड्स की लिपस्टिक लगानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और सेम वैसा ही स्विस ब्यूटी का है। ये न्यूड शेड में है, दोनों सेम प्राइस रेंज में 70-80 रुपीज़ के। देखते हैं इसको यूज़ करके कि कैसा वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है मैंने, बहुत ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स बने हैं इसके ऊपर। तो देखते हैं इसको यूज़ करके, बहुत ज़्यादा मैजिक प्रोडक्ट है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन देखते हैं इसको यूज़ करके। इसकी प्राइस है 125 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ लिप एंड चिक टेंट फ्रॉम एटीयूड। इसका भी कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड इसकी प्राइस है 450, लेकिन ऑफर में कुछ तो कम में आया था। ये शेड कौन सा है, स्ट्रॉबेरी। दिस इज़ शेड स्ट्रॉबेरी। इसमें कुछ तीन चार ही है शेड्स जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी चूज़ किया था। द नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिपस्टिक फ्रॉम मार्स। दिस इज इन द शेड एलिगेंस, और इसका शेड है इस न्यूड ऑरेंज न्यूड में है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो लिपस्टिक फ्रॉम मार्स, लेकिन ये वाला शेड अलग है। दिस इज एरियल ओ, दिस इज ब्यूटिफुल न्यूड शेड। ये थोड़ा सा डैमेज है यहाँ से, दिखा है क्या आपको, लेकिन देखते हैं शेड अगर अच्छा होगा तो चल जाएगा। द नेक्स्ट लिपस्टिक इज ऑल्सो वेरी फेमस, दिस इज फ्रॉम द नायका बॉम्बे। दिस शेड इज सो ब्यूटीफुल। मैं आपको स्वैच बताऊँ क्या इसका, मेरे पास पहले सेम था ऐसा मिनी, लेकिन ये इतुसा है ना, घूम गया कहीं पे। लुक एट द शेड। ये तीनों लिपस्टिक के स्वैचेस मैं आपको बता दूं कैसे दिखते हैं, इसके शेड कैसे हैं। दिस वन इज फ्रॉम नायका, ये मार्स, और ये दोनों मार्स हैं। सिमिलर तो नहीं लग रहे ना, ऐसे दिखने में सिमिलर लगते हैं शेड, लेकिन जब आप लिप्स पे यूज करते हो तो कुछ और ही शेड बनता है। तो यूज करके मैं आपको दे दूंगी इसका अपडेट। और अगला प्रोडक्ट है इस हॉल का, इज फ्रॉम मार्स, इज अगेन फ्रॉम मार्स। ये है मार्स का ब्लश। दिस इज इन द शेड, शेड तो नहीं लिखा है इस पे, लेकिन ये सब पीच पिंक कलर का शेड है एंड इसकी प्राइस है 249 रुपीज़। प्रोडक्ट है इस हॉल फाउंडेशन फ्रॉम मेबलिन। एक्चुअली मैं बहुत पहले से यही वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको स्टॉक अप किया है। आई एम इन द शेड 128 वॉम न्यूड, और इसकी प्राइस है 849, लेकिन मुझे कुछ 550 समथिंग में कुछ तो मिला था। जो भी प्राइजेस होंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे भी दे ही दूंगी। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कंसीलर फ्रॉम मेबलिन। ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, ये एज रिवाइंड वाला। इसका रिव्यू दे दूंगी मैं आपको यूज़ करके, और इसकी प्राइस है 729 रुपीज़। और क्या बचा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट बचे हैं एक्चुअली। ये है आई शेडो पैलेट फ्रॉम मार्स। मेरे पास ना जो भी पैलेट्स है सारे न्यूड में है, पिंक में एक भी नहीं था, तो ये मैंने लिया है। अफोर्डेबल वन यूज़ करके देखते फिर धीरे धीरे हाई एंड प्रोडक्ट्स पर जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ऐसा सुना है। यूज़ करके मैं बताऊँगी आपको। अगला भी है आई शेडो पैलेट फ्रॉम मार्स, लेकिन ये वाला लिया है मैंने कलरफुल शेड्स में। और ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं आपको खोल के बताती हूँ।
लुक एट दो शेड्स, इसमें एक्चुअली सारे ही शेड आ जाते हैं। अगर आपको कुछ अलग आई शेडो लुक ट्राई करना है तो इसके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। देखो येलो, ग्रीन, डिफरेंट डिफरेंट आई लुक्स बनाने के लिए अच्छा ही है। अगला प्रोडक्ट है फ्रॉम द इनसाइड लिप एंड चिक टिंट, एक्चुअली क्या है, हाँ लिप एंड चिक टिंट, और इसका शेड है कंट्री पम्पकिन, और इसकी प्राइस है, प्राइस कहाँ पे है इसकी, 110, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सस्ते में आया था मुझे। ऐसा शेड है इसका, ऑरेंज न्यूड टोन में है इसका शेड। अगला प्रोडक्ट है इज फ्रॉम ब्लू हेवन, ब्लू हेवन का लिप बाम, द शेड डस्टी रोज, और अच्छा ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मेरे सिस्टर्स यूज़ करती है इसको तो इसलिए लिया मैंने ये प्रोडक्ट। फ्रॉम दिस हॉल इज ब्लू हेवन का ब्लश, लिप एंड चिक ब्लश है ये, मैंने इसका शेड लिया है फ्लैशी पिंक। ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है, इंस्टाग्राम पे बहुत जगह पे दिखने को मिलेगा आपको। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम ब्लू हेवन ब्राउ जेल, एक्चुअली मैं इसके पहले मैंने सिर्फ वो स्टिक वाले ब्राउज पेंसिल यूज़ किए, जेल वाला जेल बेस में कभी नहीं किया कुछ यूज, तो इसलिए मैंने पहले ये अफोर्डेबल वन लिया। अगला प्रोडक्ट है फ्रॉम दिस हॉल इज ब्रश सेट फ्रॉम मार्स, एक्चुअली मैंने बहुत सारे ब्रश सेट ट्राई किए लेकिन ना कुछ वो ऐसे सस्ते वाले थे जो जिन्होंने वर्क नहीं किया, मतलब काम नहीं आए वो, ये वाले ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मैं यूज़ करके बताऊँगी कैसे है ये, और इसकी प्राइस थी 1399, लेकिन ये मुझे ऑफ़र में कुछ 1000 रुपीज़ में मिले। दो तीन ही प्रोडक्ट बचे हैं, सेकेंड लास्ट वन इज़ फ्रॉम द मार्स, ये वाइट कलर का काजल है। मैं ज़्यादा काजल यूज़ करती नहीं हूँ लेकिन वाइट से आइज़ ऐसे बड़ी दिखती है इसलिए मैंने ये वाला लिया है। इसकी प्राइस है 299। एंड द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज पिंक पाउडर फ्रॉम पॉन्ड्स पिंक ग्लो, और हाँ एक प्रोडक्ट था जो पिछले वाले हॉल में बताना रह गया था, दिस इज़ फ्रॉम द लक्सा डर्म पीलिंग एंड एक्सफोलिएटिंग मास्क। इस पे मैं पूरा डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बनाने वाली हूँ कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं, लेकिन वो पिछले वाले में ना ये वाला ऑर्डर रह गया था आने का। एंड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई होप आपको मेरा नायका का मेकअप हॉल पसंद आया हो। जो भी प्रोडक्ट है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाके देखना, आपको कुछ पसंद आए तो ख़रीदना। एंड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय।